हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है WTS क्लासेस में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आयु संबंधित समस्याओं में, आयु संबंधित क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एज रिलेशन प्रॉब्लम। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। तो आज इसके रिलेटेड हम लोग ब्रीफ में जानकारी लेंगे और कुछ दिन के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके कुछ ट्रिक्स को। तो आइए इसके कुछ ब्रीफ में जानकारी लेते हैं। एज में हम लोग को 2-3 चीज़ का ध्यान रखना होता है। पहला ध्यान रखना है कि एज हमको हमेशा ईयर में ही दिया रहेगा, जैसे कि उसका एज है 5 साल हिंदी में अगर बात करें तो, इंग्लिश में बात करें तो 5 ईयर्स लिखा रहेगा उसका, ठीक है। और एज में आपको आपको रेशियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कहेगा कि दो आदमी रहेंगे और दो आदमी का आपको देगा कि 5:2, दो आदमी का आपको एज रहेगा, कहेगा कि रेशियो में दो आदमी का एज दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और किस तरीके से ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं आगे बारे में। आयु संबंधित क्वेश्चंस में जब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट एज के बारे में, ठीक है, तो हम लोग किसी भी एज को प्रेजेंट एज में अगर आपको दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं दिया रहेगा तो हम प्रेजेंट एज को पहले एक्स मान लिया करेंगे, एक्स साल, ठीक है। और आपको बताएगा कि क्वेश्चन होगा जैसे कि आप 5 साल के बाद उसका एज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स में 5 को जोड़ देंगे तो 5 साल के बाद उसका उम्र निकल जाएगा। जैसे कि अभी कोई एज है 15 साल, मान लेते हैं अंकुर का एज 15 साल है, अभी प्रेजेंट एज है उसका 15 साल, और कहता है कि 5 साल के बाद उसका एज कितना होगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 15 में 5 को जोड़ देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज के बाद कभी कभी क्वेश्चंस होता है कि प्रेजेंट एज दिया रहेगा आपको और कहेगा कि 5 साल पहले का एज बताइए, तो ये आसान क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे कि अभी बोलेगा कि अंकुर का एज 15 साल है, प्रेजेंट एज 15 साल है और 5 साल पहले का उम्र कितना होगा, तो हम इसमें से 5 को घटा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 10 साल, जो कि पहले का क्वेश्चन होगा। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक है, ये आना चाहिए, ये आएगा तभी आप आगे के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है, तो दूसरे की आयु बताएं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हमको रेशियो दिया हुआ है 4:7 और उसमें से एक व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एक व्यक्ति की आयु जब 20 वर्ष दिया हुआ है तो इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति की आयु होगी। और रेशियो में हम लोग क्या जानते हैं, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेशियो इज नथिंग बट द डिवीजन। तो हम चेक करेंगे किसी भी एक में से कि कोई भी एक नंबर हम चेक करेंगे कि क्या 4 के टेबल में कोई नंबर आ रहा है, ऐसा 20 आ रहा है, तो हाँ चेक कर लिए तो 4 के टेबल में आ रहा है 20, ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे 4x = 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/4, काटेंगे और हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो दूसरे व्यक्ति की आयु का क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति की आयु हम मान लेते हैं अगर 7x हो जाएगा तो 7 × 5 दैट इज 35, दूसरे व्यक्ति की आयु हमको निकल जाएगा 35 वर्ष। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, RRB NTPC में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर RRB NTPC के स्टूडेंट हैं तो आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर